हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि घरों में होंगे, सेफ होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। अभी मैं एक नई जगह आया हूँ जो कि इलाहाबाद का ही है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये कोढ़ी आश्रम है, जो कुष्ठ आश्रम बोलते हैं, जो किसी तरह से जो इंसान जो अपने हाथ पैर से कंप्लीट नहीं होता है या विकलांग या कुछ भी ऐसा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, उसके अंदर आया हूँ। ये उसके अंदर का पूरा मैंने आपको कैंपस दिखाया, मेरे पीछे बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे तकरीबन 50 फैमिली रहती है, उनमें कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे रुक, हाय करो, रुको रुको, इधर हाय करो, इधर हाय करो, ऐसे। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? टॉफी निकाल के बताओ, कहाँ जा रहे हो? घर। घर जा रहे हो? चलो ठीक है, जाओ जाओ। तो जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पे तकरीबन 50 परिवार हैं, 50 परिवार में 30-40 बच्चे भी हैं, और टोटल अगर बात करें तो 100 के आसपास यहाँ पे लोग हैं। 80-90 लोगों का यहाँ का कहना है कि 80-90 लोग के आसपास है, तो आप 100 मान लीजिए ऐसे है। यहाँ पे क्या है, ये अनाथ आश्रम है। जैसा आप समझ सकते हैं, अनाथ आश्रम कहने से क्या होता है कि अनाथ आश्रम आप यहाँ जिनकी फैमिली नहीं होती या फिर ऐसा कुछ, मुझे शायद वर्ड नहीं मिला, आप समझ लीजिएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए जो चीज़ें हैं, जो सरकारी गल्ला होता है जो हर महीने आपके क्षेत्र में बंटता होगा, वो वहाँ से यहाँ राशन आता है, जिससे ये बनाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है यहाँ अंदर। और अंदर के लोग कहीं बाहर काम करने नहीं जाते हैं। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो रोज़ आकर के यहाँ चीज़ें बांटते हैं, चैरिटी करते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप कुछ बना हुआ आइटम ला करके यहाँ दे सकते हैं। एक जगह है अंदर, वहाँ पर यह सबको बांट दी जाएगी, या फिर आप सूखा आइटम जो भी कच्चा सामान है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दाल चावल कुछ भी हो, वो ला के दे सकते हैं, यहाँ पर बांट दिया जाएगा बना करके, अगर आप चाहते हैं तो बनवाने के लिए। तो सभी का अलग अलग प्रोसेस, आप यहाँ आ सकते हैं। इसकी लोकेशन करेला बाग में है, ये कुष्ठ आश्रम के नाम से, कोढ़ी आश्रम, जो कि मैंने इसका गेट दिखाया था आपको। आज मैं आया हूँ यहाँ पर, दो बच्चों का बर्थडे भी है, तो एक का नाम है अंजलि और एक का नाम है चंद्रभान, तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं साथ के साथ में ही। और आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने पूरा चीज़ आपको बता दी कि ऑलमोस्ट कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली हैं यहाँ पे। खाने के लिए अगर कुछ देना चाहते हैं तो आगे दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी यहाँ पर सिर्फ जो गल्ला आता है महीने का, यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ उससे हेल्प होती है, बाकी कुछ ना कुछ जो भी लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो आकर के यहाँ चैरिटी करते हैं, चीज़ें दे के जाते हैं, उससे ये लोग खाते पीते हैं। तो चलिए मैं आगे उस बच्चे के पास जाता हूँ और बर्थडे की तैयारी जो चल रही है वो दिखाता हूँ। बांध देंगे, तुम बुलाना है, ठीक है? एक एक किलो सब लोग, एक एक किलो, एक एक किलो।
हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप? सर दो बच्चे हैं आज, उनका दोनों का एक साथ में बर्थडे है। एक है चंद्रभान और एक है अंजलि। तो दोनों का एक एक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ढेर सारे खड़े हैं। चंद्रभान, तुम्हारा बर्थडे है ना आज, है ना? और अंजलि, इन दोनों का बर्थडे है आज एक ही डेट में। तो एक ही केक लाए हैं, साथ में केक काट रहे हैं और ये लोग काटने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलो आ जाओ अपनी जगह। आ जाओ सारे। चलो अंजलि, एक एक लोग पकड़ो उसको। चलो दोनों लोग पकड़ेंगे हाँ, ठीक है? बनाना भी काटे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करो। तो ये था पूरा सीन, जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। अभी बच्चे थोड़ा भाग गए इधर उधर, वो रुकते नहीं एक जगह बैलून फुलाने में, वैसे ही आतंक मचा रखा था। तो पूरा वीडियो हो गया है, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो को। यार अगर इस वीडियो को बनाने का बस पर्पस ये था कि अगर आप चैरिटी करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़े भी पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, जितने भी हैं, तो आप उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लगाएं। ये जगह करेला बाग में है, कोड़ी आश्रम, कोई भी आपको बता देगा, फोर सीजन गेस्ट हाउस के आसपास में, इलाहाबाद में। तो अभी मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो में क्या रहता है क्या नहीं। थैंक यू सो मच।